हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासे सीकर में। फ्रेंड्स, अपना अगला ये टॉपिक है फंजाई या कवक, जिन्हें बहुकोसी के अपघटक के नाम से भी अपन जानते हैं। इनके ऊपर चर्चा करते हैं और यही कहूँगा फ्रेंड्स की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और सीधा क्वेश्चनों पर आइए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चन पर चर्चा। कवक शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो कवक शब्द दिया था गैस्पर्ड बाहिम के द्वारा दिया गया है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे माइकोलॉजी के पितामह का सम्मान दिया जाता है? तो बोडेन को दिया जाता है। और माइकोलॉजी क्या होता है फ्रेंड्स? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, माइकोलॉजी एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? कवकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा प्रतिजैविक कवक के विरुद्ध सक्रिय होता है? तो कवक के विरुद्ध सक्रिय कौन सा होता है? पोलिन्स, बी ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट, बेसिडियो स्पोर्ट्स किससे के सिरे पर लगते हैं? तो ये लगते हैं माइसीलियम के सिरे पर लगे हुए होते हैं, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रयोगशाला खरपतवार होता है? तो प्रयोगशाला खरपतवार एस्परजिलस होता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पोषण में मृतोपजीवी है? तो पोषण में मृतोपजीवी कौन सा होता है? कवक होता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कवक का समूह जिसमें जाल पटयुक्त और लैंगिक प्रजनन या तो देखा नहीं गया या अनुपस्थित होता है, तो वह क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें ड्यूट्रोमाइसिटीज, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कवक हाइपी के सिरे पर अलैंगिक विधि से बने स्पोर्ट्स क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कोनिडियोफोर्स, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यदि किसी जीव उदाहरण के लिए कवक का पूर्ण थैलस एक या अधिक जनन रचनाओं में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे होलोकार्पिक कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइजोपस में हाइपी होते हैं, तो राइजोपस में जो हाइपी होते हैं फ्रेंड्स वह क्या होते हैं? हाइपी शाखित, पट रहित और बहुकेंद्र के होते हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, राइजोपस का बहुनाभिकीय फिलामेंट होता है, तो ये कैसा होता है? सिनोसिटिक प्रकार का होता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, म्यूकर प्रदर्शित करता है, तो म्यूकर क्या प्रदर्शित करता है? आइसोगेमी, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, म्यूकर के स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स होते हैं, तो ये कैसे होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं हैप्लोइड, ए सही है। नेक्स्ट देखिए, म्यूकर के जाइगोस्पोर कैसे होते हैं? तो म्यूकर के जो जाइगो स्पोर होते हैं फ्रेंड्स वह मोटी भित्ति युक्त विश्रामी स्पोर होते हैं, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, राइजोपस में जाइगो स्पोर किससे विकसित होते हैं? तो यह विकसित होते हैं फ्रेंड्स प्रोगेमिटेजियम से विकसित होते हैं, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, राइजोपस के जीवन चक्र में न्यूनकारी विभाजन होता है, तो जाइगो स्पर्म्स के अंकुरण के समय होता है। और निम्न में से कौन सा पोषण के आधार पर सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा चारों ऑप्शन पर। देखिए फ्रेंड्स, अपन देखें अमरबेल तना परजीवी, ये सही है। म्यूकर स्वपोषी, म्यूकर को यहाँ पर स्वपोषी माना गया जो कि गलत है। ओरोबैंक की मूल परजीवी, ये सही है। ड्रोसेरा कीट बक्सी, ये सही है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वह सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, रेंडियर मोस होती है, रेंडियर मोस होती है, तो इसकी बात करें तो रेंडियर मोस जो है वह क्लेडोनिया रेंजिफेरा, सी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेकियोफाइट्स के जड़ों के साथ कवक का संगठन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं माइकोराइजा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, असनिया है, असनिया क्या है? तो असनिया एक लाइकेन है, ए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, माइकोराइजा का संबंध पाया जाता है पाइनस की जड़ तथा, पाइनस की जड़ तथा कवक के साथ पाया जाता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका सहजीवी संबंध बायोफर्टिलाइजर के रूप में उपयोगी नहीं होता है? तो इनमें से ऑप्शन देखें तो फ्रेंड्स अपन चार ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इनमें से जो बी ऑप्शन सेवाल तथा कवक वह सही होगा। नेक्स्ट, माइकोराइजा कौन सी परिकल्पना को प्रदर्शित करते हैं? जो माइकोराइजा होते हैं वह
सिम्बायोसिस परिकल्पना को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, होलोटिज्म शब्द किसके सहजीवन के लिए उपयोग किया गया है? तो शैवाल तथा कवक के लिए। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स? लिटमस होता है लाइकेन से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, लाइकेन एक शैवाल एवं कवक का महत्वपूर्ण संयोजन है, जिसमें कवक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध रखता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्लेडोनिया रेंजिफेरेना है, तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये है लाइकेन एक प्रकार का। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कवक के लाइकेन जो कि काष्ठ पर वृद्धि करती है, क्या कहलाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो कवक या लाइकेन जो कि काष्ठ पर वृद्धि करती है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं लिग्नोकोलस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको भी मैंने शामिल किया है, तो उन पर भी देखो अपन चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। सड़े काष्ठ पर वृद्धि करने वाला कवक क्या कहलाता है? सड़े हुए काष्ठ पर जो वृद्धि करता है, उस कवक को अपन क्या कहते हैं? ब्रेकेट कवक के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोरुला अवस्था किस में पाई जाती है? तो यह येलो थ्रिक्स में पाई जाती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पफ बॉल्स है, तो पफ बॉल्स क्या है? कवक है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, काष्ठ या लकड़ी पर पाए जाने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वह एपिजाइलिक कहलाते हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कवक का स्टेन किया जाता है, आयोडीन से स्टेन करते हैं। कवक का स्टेन पूछा है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो कवक का स्टेन करते हैं कॉटन ब्ल्यू से इसका स्टेन किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एसआई बनते हैं, तो एसआई बनते हैं फ्रेंड्स ये किससे बनते हैं? एस्कोबोलस में भी बनते हैं, सेक्योरोमाइसिस में भी बनते हैं, पेनिसिलियम भी है, यानी कि डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निषेचन में जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो किस में नहीं होती है? एल्ब्यूगो में नहीं होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, रे फंजाई है, रे फंजाई क्या है? रे फंजाई की अगर अपन बात करें तो एक्टिनोमाइसिटीज है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कवक का निम्नलिखित में से कौन सा समूह कभी कभी कवक कचरा पेटी कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहलाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पक्षीनिया का संक्रमण बारबेरी पौधे की पत्ती से गेहूं के पौधे पर किस स्पोर्ट्स द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है एसिडियो स्पोर्ट्स द्वारा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, पाउडरी मिल्डिग्यू रोग फसलों में किससे होता है? तो ये होता है एस्कोमाइसिटीज से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कवक बीमारी बीजों तथा फूलों के द्वारा फैलती है? तो ये इनमें से फैलती है लूज स्मट ऑफ व्हीट। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मशरूम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो बेसिडियोकार्प। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कवक जिसे अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए केवल एक पोषक की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ओटोसीएस। बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोपड़ी का रिंग वर्म रोग किसके द्वारा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिए। तो खोपड़ी का जो रिंग वर्म रोग होता है, वह होता है फ्रेंड्स माइकोस्पोरम कवक के द्वारा होता है। तो ये थे फ्रेंड्स अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में इसे शेयर कीजिए। और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स।